नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। बिहार में इस वक्त आरजेडी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तेज प्रताप यादव इस्तीफा देंगे। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से रामराज की तरफ से तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाए गए, इसके बाद खुद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि अब वो अपने पिता की पार्टी यानी कि आरजेडी से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इस इस्तीफे के बाद से ही एक बार फिर एक और बात हर किसी के जहन में है कि क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच दूरियां आ जाएंगी। हालांकि पहले की अगर हम बात करें तो कई बार इन दोनों भाइयों के बीच दूरियां देखने को मिली, कई बार ऐसी तस्वीरें हमने बिहार में देखी जहां पे तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव से मुंह मोड़ लिया। लेकिन इस वक्त जो आरोप रामराज की तरफ से लगाए गए हैं, इसको लेकर तेजस्वी यादव का साफ तौर से कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब तेज प्रताप यादव आरजेडी से इस्तीफा देंगे। पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं और आखिर इन दोनों भाइयों के बीच उस वक्त क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, आरजेडी की तस्वीर आगे आने वाले एक से दो दिनों में कितनी बदल जाएगी, इसकी पूरी रूपरेखा आपको समझाते हैं। बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही अपने पिता से मिलकर पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने इस फैसले को लेकर ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया और वह जल्द ही अपने पिता से मिलकर इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में तेज प्रताप ने पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला दरअसल उस दिन किया जब युवा आरजेडी के पटना महानगर अध्यक्ष रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव के ऊपर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड में बंधन बना कपड़े उतार देने का आरोप लगाते हुए कई तरह की बातें कही। और साथ ही रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाया कि बीते शुक्रवार को जब राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी की गई थी तो उसी दौरान तेज प्रताप यादव ने उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया और फिर गलत किया उनके साथ और वीडियो भी बनाया। ऐसे में रामराज यादव का आरोप है कि इस दौरान 18 मिनट के अंदर तेज प्रताप यादव ने 500 बार अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर भद्दी भद्दी बात भी उन्होंने कही और कई तरह के जो खुलासे हैं वो रामराज की तरफ से किए गए। ऐसे में अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पार्टी एमएलसी सुनील सिंह और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा दिया। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह, सुनील सिंह और संजय यादव के ऊपर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। दरअसल लालू परिवार में दोनों भाई तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच सत्ता संघर्ष काफी दिनों से चल रहा है और इसी कड़ी में इस नए घटनाक्रम के जरिए दोनों भाइयों के बीच एक बार फिर से तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का साफ तौर से कहना है कि साजिश के तहत उन पर आरोप लगाया जा रहा है और पहले भी कई बार तेज प्रताप यादव ये कह चुके हैं कि उनके खिलाफ पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, उन्हें पार्टी से निकालना चाहते हैं। ऐसे में रामराज यादव की तरफ से लगाए गए तमाम आरोपों के बाद ट्वीट करते हुए तेज प्रताप यादव ने यह जानकारी दी कि वो जल्द ही अपने पिता से मिलेंगे और पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में अब तेजस्वी यादव आगे क्या कदम उठाते हैं, क्या कार्रवाई उनकी तरफ से की जाती है, पार्टी को लेकर क्या फैसला तेजस्वी यादव लेते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि तेजस्वी यादव का एक भी कदम पार्टी पर बड़ा असर डाल सकता है और यही वजह है कि अब सोच विचार और मंथन के बाद ही तेजस्वी यादव को अपना अगला फैसला लेना होगा। लेकिन इस वक्त दोनों भाई के बीच की जो तकरार है वो एक बार फिर बढ़ चुकी है, दूरियां बढ़ चुकी है और अब ये दूरी आगे लालू प्रसाद यादव किस तरह मिटाएंगे ये भी देखना होगा। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।